अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आज हम करेंगे सूरह अल बकरा आयत नंबर 95। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वा और लन हरगिज़ नहीं, यतमन्नाहु वो तमन्ना करेंगे इसकी, हु को अलग करके इसकी मतलब है, ठीक है, इसकी मतलब कि मौत की। जैसे पिछली आयत में था ना कि अगर वो समझते हैं कि अल्लाह ताला के पास आखिरत में हमारे लिए ही घर मखसूस है तो फिर वो तमन्ना करें मौत की, तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो हर किस इस चीज़ की यानी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। तो यहाँ पे है वो, या है ना, या से स्टार्ट है, तो वो तमन्ना करेंगे या ख्वाहिश करेंगे हु इसकी। और इसका रूट आपने मुतमन्नी से, जैसे इसका मीनिंग भी है ना, मुतमन्नी होना, तमन्ना रखना, ख्वाहिश रखना, तो मुतमन्नी के जो लास्ट थ्री लेटर्स हैं, जिस तरह कल समिया सिस्टर ने बताया बहुत अच्छा, इस तरह से मीनिंग इसका रूट पर याद हो जाता है। तो मीम नून या, ठीक है, वो ये इसका रूट है। आगे है अबदन, अबदन अबद से है, हमज़ा बा दाल इसका रूट है। अबद मतलब कि हमेशा, कभी भी, ठीक है। जैसे अल्लाह ताला के बारे में हम कहते हैं अल्लाह ताला अबद से है और अबद तक रहेगा, मतलब हमेशा रहेगा, गैर महदूद ज़माने को कहते हैं अबद, ठीक है। तो अबदन कभी भी, वो कभी इसकी तमन्ना नहीं करेंगे। बिमा, बा का मतलब बसबब, मा मतलब जो, बसबब इसके जो कद्दमत आगे भेजा है, कद्दमत कदम से, और यही इसका रूट है, काफ दाल मीम कदम, ठीक है, आगे भेजा है, आगे बढ़ाने को कहते हैं ना, कदम आगे बढ़ाना या आगे पेश करना, तो इसी से है कद्दमत आगे भेजा है। आई दी हिम इनके हाथों ने, हिम का मतलब इनके और आई दी हाथ, और इसी से रूट भी इसका, ये पहले गुजर चुका है ये वर्ड, इसका भी रूट है या दाल या यदई, ठीक है, हाथ। वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमुन खूब जानता है या जानने वाला है, बिस ज़ालिमीन इन ज़ालिमों को। अलीम का रूट है आइन लाम मीम, इल्म से, ठीक है, इल्म होना, जानना, बाखबर होना, और बिस ज़ालिमीन जुल्म से, और यही इसका रूट है ज़ा लाम मीम जुल्म। तो ये आयत छोटी सी थी, ये हो गई मुकम्मल। तो इसमें है और हरगिज़ नहीं वो तमन्ना करेंगे इसकी कभी भी, बसबब उसके जो आगे भेजा है इनके हाथों ने, मतलब कि जो ये करतूत कर चुके हैं, जो आगे वो भेज चुके हैं अपने अमाल, उनकी वजह से ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला खूब जानता है इन ज़ालिमों को। तो ये हो गई आयत नंबर 95। अल्हम्दुलिल्लाह।